नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 15 अगस्त 1947 को के दिन ही कई शताब्दियों की पराधीनता के उपरांत हमारे राष्ट्र को आजादी मिली थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राज्य संयोजक दीपक राठौर ने आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला ऊना में सदर के विधायक सतपाल रायजादा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं को प्रदेश की 3,226 पंचायतों में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों की रूपरेखा के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान दीपक राठौर ने मीडिया कर्मियों से पंचायती राज संस्थाओं की बारीकियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज विभाग की स्थापना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सोच का नतीजा है, क्योंकि इस विभाग की नींव कांग्रेस सरकार द्वारा रखी गई थी ताकि देश के कोने कोने में ग्रामीण स्तर पर गांवों का विकास हो सके। इस मौके पर उन्होंने आगामी आ रहे पंचायतों के चुनावों से पहले ग्रामीण स्तर पर आ रही समस्याओं के बारे में प्रदेश सरकार को जगाने के लिए जागरूक अभियान छेड़ने का निर्णय भी लिया। हमने देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना आपने टीवी पर, तो उन्होंने एक बात को बार बार रिपीट किया, आत्मनिर्भर भारत। मेरा ये मानना कि जब तक हमारी पंचायतें 3,226 पंचायतें जो हिमाचल प्रदेश में, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होती है, तब तक किसी भी तरह से हिंदुस्तान या हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। हमारा ये मानना है, जब संविधान के 73वें 74वें संशोधन में ये रिकमेंडेशन की गई है कि आपकी पंचायतों को 29 से ऐसे विषय दिए गए हैं जिसके ऊपर पंचायतें हमारी काम करेंगी, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, तीनों विषय पर उनको पूरी ताकत दी गई है। लेकिन ये ताकत पूरे हिंदुस्तान में अभी केरल में इंप्लीमेंट की गई है, केरल को छोड़कर थोड़ा बहुत पार्ट 29 में से शायद 6 या 7 विषय कर्नाटक में है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में जो पंचायतें वो डिफंक्ट हैं, उनके पास फंड, फंक्शन और फंक्शनरी की व्यवस्था नहीं है। तो हमारा हिमाचल प्रदेश की जनता से ये अनुरोध रहेगा कि जब 73वां संशोधन केरल में लागू हो सकता है तो हिमाचल में क्यों नहीं। इसी ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ सहयोगी अनुबाला की रिपोर्ट।